सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस साल आप केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सर्विस की बुकिंग GMVN से ना करके IRCTC जो इंडियन रेलवे की साइट है उसके थ्रू कर पाओगे। लेकिन IRCTC की साइट से रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग का क्या प्रोसेस होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं था। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 8 अप्रैल यानी कल से हेली सर्विस की बुकिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए IRCTC ने अपनी ऑफिशियल साइट heliyatra.irctc.co.in पर कंप्लीट प्रोसेस, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस शेयर कर दी है, अपलोड कर दी है, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन और टिकट बुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज 2023 में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, और वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्टली हम आ जाते हैं IRCTC की हेली यात्रा के लिए ऑफिशियल साइट पर। नाउ हेलीकॉप्टर बुकिंग विल बी ओपन ऑन 8 अप्रैल 2023 एट 12 PM। मींस 8 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे के बाद से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग डिफरेंट फेसेस में होगी। बात करें फर्स्ट फेस की, तो आप 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही बुकिंग कर पाओगे। नाउ चेक फेयर में जाकर आप इस साल केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग का क्या फेयर है वो आप चेक कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइट स्टेशन लाइक गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। नाउ अब आ जाते हैं FAQs पर, जो कि बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट है, क्या आपको बुकिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? यस, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बुकिंग नहीं कर सकते। नाउ हेली सर्विस के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट, पेमेंट के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सब कुछ अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, और साथ ही पेटीएम, रेजर पे, ICICI से पेमेंट करने पर आपको EMIs का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि बुकिंग कैसे होगी। सो फर्स्टली सर्च ऑन गूगल heliyatra.irctc.co.in। नेक्स्ट आपको लॉग इन करना है विद मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। आफ्टर दैट लॉग इन, क्लिक ऑन प्रोफाइल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, क्लिक ऑन द बुकिंग टैब वेयर टू चेक बुकिंग स्टेटस। आफ्टर दैट सिलेक्ट ऑपरेटर एंड टाइम स्लॉट। नाउ जो आपने ग्रुप ID या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया होगा उसमें से जिस पर्सन को हेली सर्विस करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना। नाउ एंटर ID डिटेल फॉर इंडिविजुअल पैसेंजर। अगर आपने व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन किया है तब आपको ID की डिटेल फिल करनी होगी। वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करने पर ID वहीं अपलोड करनी होगी। जो आपने हेलीकॉप्टर बुकिंग के फॉर्म में मेल ID और मोबाइल नंबर फिल किया होगा उसको वैलिडेट करने के लिए उन पर OTP आएगा और वो आपको फिल करना होगा। नंबर और मेल ID में से किसी एक OTP को आपको फिल करना होगा। आफ्टर OTP वैलिडेशन आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। देन आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट यू कैन इजीली डाउनलोड हेलीकॉप्टर टिकट। इसके साथ ही आपको हेलीकॉप्टर फेयर के साथ 300 कन्वीनियंस फी प्लस GST भी पे करनी पड़ेगी, और कन्वीनियंस फी प्लस GST नॉन रिफंडेबल होगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब आ जाओ जनरल इंस्ट्रक्शन पर, जो 25 प्लस पॉइंट है इंग्लिश में आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, और मातृभाषा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ फर्स्ट, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो लिंक दिया हुआ है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया है और उस ग्रुप में से सभी को या फिर कुछ पर्सन को हेली सर्विस के थ्रू यात्रा करनी है तो आपको मल्टीपल टिकट्स की बुकिंग के लिए ग्रुप ID एंटर करनी होगी। और अगर आप इंडिविजुअल टिकट बुक करना चाहते हो तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में यूनिक ID मेंशन करनी होगी जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन है। थर्ड पॉइंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आप अपनी स्पेसिफिक डेट फॉर धाम या फिर दर्शन जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में केदारनाथ के आगे फिल की होगी उससे 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक के लिए आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करवा सकते हो। मींस आपने 28 अप्रैल को केदारनाथ के दर्शन के लिए डेट फिल की है तो आप 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल के इस टाइम गैप में किसी भी डेट में बुकिंग करवा सकते हो। वैसे आप ट्राई करना कि जो आपने केदारनाथ के लिए स्पेसिफिक डेट फिल की है उसी में आप टिकट बुक करें।
नाउ 2 साल से ऊपर का अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसका पूरा टिकट लगेगा और आपको फुल अमाउंट पे करना होगा और उसको पूरी सीट अलॉट होगी। एंड फॉर इन्फेंट लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कम के बच्चे के लिए कोई भी टिकट नहीं लगेगी और ना ही उसे कोई सीट अलॉट होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टिकट बुक करते टाइम जो आपने आईडी प्रूफ अपलोड की है वही आईडी प्रूफ आपकी बुकिंग के टाइम चेक की जाएगी और ओरिजिनल आईडी ही वैलिड होगी, फोटोकॉपी वैलिड नहीं मानी जाएगी। और साथ ही जो आपकी टिकट है उसकी ओरिजिनल प्रिंट कॉपी ही वैलिड होगी, स्क्रीनशॉट या फिर हाफ प्रिंटेड टिकट फेक या फिर अनवैलिड कंसीडर किया जाएगा और ऐसे पर्सन पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। आपको हेलीपैड पर अपने साथ एक वैलिड टिकट और वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। नाउ 6th पॉइंट, आपको हेलीपैड पर बोर्डिंग के लिए 1 to 2 आवर्स पहले, 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। नाउ 7th पॉइंट, हेलीकॉप्टर के लोड के अकॉर्डिंग पैसेंजर्स का सीट अरेंजमेंट किया जाएगा, मींस करंट फ्लाइट में ओवरलोड होने पर अदर पैसेंजर को वो फ्लाइट ना देकर अदर फ्लाइट दी जा सकती है। और साथ ही 1 आवर 1 घंटे पहले ना पहुंचने पर एंट्री अलाउड नहीं होगी और ऐसी कंडीशन में आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टिकट इज नॉन ट्रांसफरेबल, इट मींस आपने जिस भी फ्लाइट स्टेशन की बुकिंग की होगी लाइक फाटा, तो आप उसको सिरसी या फिर गुप्तकाशी फ्लाइट स्टेशन पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो और ना ही डेट चेंज कर सकते हो। दोस्तों काफी सारे पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए वो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80 kg से ज्यादा का वेट होने पर आपको 150 rupees पर kg के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग और चेक इन। नेक्स्ट है, पैसेंजर्स के साथ सिर्फ 2 kg का बैगेज ही अलाउड होगा। नेक्स्ट, एक फ्लाइट में मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड 2 ही बच्चे फ्लाइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको हेलीकॉप्टर से सेम डे में ही रिटर्न आना है तो आपको 1.5 आवर्स का टाइम ही दिया जाएगा नेक्स्ट फ्लाइट की रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट, और अगर आप केदारनाथ में 1 नाइट स्टे करना चाहते हो तो आपको 12 PM 12 बजे के बाद का स्लॉट चूज करना होगा, यानी दोपहर का। नेक्स्ट है, COVID-19 की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को पूरा राइट है कि वो आपकी टिकट को कैंसिल कर सकता है, स्लॉट टाइम से एडवांस में आपको फ्लाइट दे सकता है या फिर आपकी फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकता है विदाउट एनी एडवांस नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर को पूरा राइट है कि वो किसी भी अनफिट पर्सन को फ्लाइट के लिए मना कर सकता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी टाइप का रेडियो एक्टिव आइटम, पॉइजन, फायर आर्म, नाइफ को फ्लाइट में नहीं ले जा सकते। और लास्ट है रिफंड पॉलिसी, जिस अमाउंट या फिर UPI ID से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा उसी सेम अकाउंट में 5 to 7 working days में आपका रिफंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ दोस्तों, यही थी सारी IRCTC की रजिस्ट्रेशन और बुकिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए हैं। आप भी साइट पर चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है वो साइट पर भी अवेलेबल है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रही होगी, बिकॉज मुझको खुद समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है, तो ऑब्वियसली आपको भी लगा ही होगा, बट अब नहीं लगेगा बिकॉज जो जरूरी पॉइंट्स है वो मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं एंड आई होप आपके समझ भी आए होंगे। नाउ जब बुकिंग स्टार्ट होगी तब भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक पूरा रियल टाइम में बुकिंग प्रोसेस करके दिखा सकूं। दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो आप इसको जरूर से लाइक करना और शेयर करना जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, नीड है। और ऐसे ही हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। और साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और अदर इंक्वायरीज के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमारे चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। गाइज हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।